औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ, वो बात शायद मैं बहुत पहले शुरू कर देता उसके ऊपर, लेकिन मैंने काफ़ी शायद मैं लेट हो गया हूँ उस बारे में। के जो तख्लीक करने वाले हैं उनका नाम मोहम्मद बोस्ताग है। तो इसमें जो एक कबीला है तुर्कों का ओगोस, उसका जो कबीला है खाना बदोशों का, उसमें मजीद काई कबीला, ये बेसिकली ड्रामा जो है, ये सीरीज़ जो है उसके ऊपर है कि कैसे एक काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह और उसका जो बेटा है उर्तुगल गाजी उर्तुगल, उसने कैसे अपने ख़ानदान और अपने जानो माल से ज़्यादा अहमियत दी इस्लाम को और दीन को, और उसकी सरबुलंदी के लिए उनको ख़तरे में, अपने ख़ानदान वालों को, अपने जान को, अपने माल को, हर चीज़ को ख़तरे में डाल के, तो कैसे उस वक्त जो 13वीं सदी में
करेक्टर हैं इसमें वो हैं आयमा खानम, जो कि इनकी बीवी का रोल अदा कर रही हैं इसमें, और जिनका रियल नेम होलिया डरकेन है। इन दोनों के से शुरू करना इसलिए भी मैं समझूंगा कि ये दोनों ही माँ और बाप का रोल अदा कर रहे हैं अर्थवुल का, और उसके बाद डेफिनेटली मेरा होगा कि फेवरेट जो किरदार है इसमें जो सर अंजाम दे रहे हैं अर्थवुल का, उनका मैं उनकी तारीफ़ करूंगा इसमें। एंड जिन अल्टाम जे नाम है इनका, और इन्होंने बाखूबी इस किरदार को अंजाम दिया है। अगर और मैं कोई देखूं तो ये इनके करीबी साथी हैं, और डेफिनेटली हलीमा सुल्तान, जो कि इसमें ड्रामे में इनका बहुत अहम किरदार है। और हलीमा सुल्तान इज़रा बिलजिक, ये इनका असल नाम है। नो डाउट बहुत ही आला किस्म के इन्होंने अपने किरदार को सर अंजाम दिया है। वैसे तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने लगे किसने किस तरह का किरदार जो है वो अदा किया है, दर हकीकत ये एक अफसानवी और तारीखी वाक़यात पे फिल्माया गया है। तो इसमें अगर हम देखें कोई भी किरदार जो है उसने अपने करेक्टर के जो उसको रोल दिया गया है उसके साथ इंसाफ ना किया हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। जैसे कि अभी इब्नुल अरबी का किरदार अदा किया है उस्मान सोयकट, ये किरदार इनके अलावा शायद ही कोई कर पाता इस तरह का, इस तरीके से एक सहर तारी हो जाता है जब हम इनको सुनते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके जो भी सीन इनके ऊपर अक्सबंद हुए हैं वो सारे ही बहुत ही असर रखते हैं, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। अगर हम इसको ड्रामे की ही निगाह से देखें या एक ड्रामे की निगाह से देखें, जैसे हम बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं, तो हम लोग अगर ड्रामे को ऐसे मतलब ड्रामा भी देखते हैं तो ये हमारी हिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड है, चाहे वो कितने परसेंट भी है। और दूसरा ये है कि इसमें मैंने देखा है जो कि बयान की गई है तहकीक और जो भी रिसर्च, जितने परसेंट भी इसको कुछ लोग कहते हैं 20% जो है वो ट्रू है और बाकी जो है वो उस वक़्त के जो अफसाने और वाक़ियात थे जो कि तारीख में करते गए हैं आगे, जो औलाद है वो अब आगे मतलब अपने पिछलों से आगे ट्रांसफ़र करती गई या फिर अगली औलाद को आगे ट्रांसफ़र कर उनसे ये लेते गए हैं इस सारे वाक़ियात को। तो देखा जाए तो तुर्की के जो हमारे बहुत ही काबिल मोहतरम सदर हैं तैयब अर्दोगन, उन्होंने भी इस ड्रामे को, इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी है, और वो बाकायदा ख़ुद इन लोगों से मिलने के लिए इनके जो कबाइल इन्होंने बनाए थे जहाँ पे ये ड्रामा शूट किया जा रहा था वो कोई इस्तांबुल के करीब ही जगह है, कस्बा है एक, और उस कस्बे को का नाम जो डिस्ट्रिक्ट है बेकोस, उसका एक गांव है रिवा, उसमें ये ड्रामा जो है वो फिल्माया गया था दिसंबर 10 और 2014 को इसको प्रीमियर जो है वो लॉन्च किया गया था TRT पर।
पुर्तगाल के सौतेले भाई या पहली सुलेमान शाह की पहली बीवी के में से थे बेटे उनके, उनका भी किरदार कुछ हद तक तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन कुछ आगे नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला गया। लेकिन ये चंद ही कुछ किरदार हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। डिस्क्राइब किए कि जब सल्तनत उस्मानी और उससे पहले के जो वाक़यात अर्तुगरुल, सुलेमान शाह और इनकी बारे में, जहाँ पे ये मैंने स्पेसिफिकली इस टाइम को आपके साथ डिस्कस किया है कि इससे बेहतर जो है वो आपको अभी तक जो है नहीं कोई मैंने देखा, कोई सीरीज़ ऐसी, कोई सीरियल ऐसा, कोई ड्रामा ऐसा, कोई अफसाना, कोई कुछ जो इसके मुकाबले। सीरियल की हद तक, सीरीज़ की हद तक जो इनके रोल हैं इन्होंने इनके साथ जस्टिफाई किया है।
हर एक रोल जो है वो हर एक बंदे ने इसमें बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। और बीइंग मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है और हमें इस चीज़ के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा अल्लाह ताला के अपने हमारे इस्लाम दीन के लिए हमेशा इसकी सरबुलंदी के लिए अपनी माल जान अपनी अहलोयाल से भी अपने इसको बरतर समझे हमारे दीन इस्लाम को। हमें इसके लिए देखना, हम लोग भी अगर तो जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको छोड़ के मुस्लिम दुनिया के जो लोग हैं अगर वो इससे बेहतर कोई बनाना चाहते हैं हिस्टोरिकल, ताकि हमारे लोगों में एक इसका इम्पेक्ट हो, हमारी जनरेशन जो आ रही है उसको इस्लाम के बारे में बेहतरीन तरीके से पता चल सके, तो सबके लिए दरवाज़े ओपन हैं। अपनी जगह बनाएं, अपने आप भी कोई इस तरह का सीरीज़ जो है वो बनाए, किसी ने भी नहीं रोका आपको, आपको बल्कि अप्रिशिएट किया जाएगा। तो हमें जिस हद तक हो सकता है नेगेटिविटी से बच के पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इस बारे में सुना है कि इसमें म्यूज़िक है, म्यूज़िक की वजह से भी ये नहीं देखना चाहिए, और इसमें ये है कि ये काफ़ी चीज़ें जो है वो पर्दे का नहीं है ज़्यादा, जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि पर्दे का भी एहतमाम नहीं है इतना। तो मैंने उनकी भी बातें सुनी, उनके बकौल भी उनके अगर आपने कुछ देखना ही है, अब आप एडिक्टेड हैं कुछ फिल्म देखने के, ड्रामा देखने के, मूवी देखने के, तो आप इस ये देख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी वो उनके बकौल कि ये हलाल नहीं है ड्रामे या मूसीकी जिसमें हो या फिर इन चीज़ों में। तो वो आजकल दुनिया जो है वो एक आप समझ लें कि मोबाइल में है या फिर आपके सोशल मीडिया जो है वो इतना आजकल एक्टिव है कि आपको अपनी बात कहने के लिए इसके सामने आना ही पड़ता है। और अब हर बंदे के हर एक के डिफरेंट जो है वो अंदाज़ हैं इसको प्रेजेंट, अपनी बात को प्रेजेंट करने के, तो उसमें उनकी बातें भी जो हैं वो जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्तों से, अपने सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल मैं पूछूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मेरी बहुत ही मामूली सी जो रिसर्च है जो मैंने शेयर की आप लोगों के साथ, आप ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।